कलयुग का लक्ष्मण। भैया, परसों नए मकान पे हवन है। इतवार का दिन है, आप सभी को आना है, मैं गाड़ी भेज दूंगा। छोटे भाई लक्ष्मण ने बड़े भाई राम से मोबाइल पर बात करते हुए कहा, अच्छा, किसी दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हो? राम ने पूछा। हाँ भैया, लक्ष्मण ने कहा। पहले वाले से बड़ा है क्या? राम ने पूछा। हाँ भैया। अच्छा, इसका किराया कितना है? राम ने पूछा। नहीं भैया, ये अपना मकान है, किराए का नहीं है, लक्ष्मण ने बताया। अपना मकान? भरपूर आश्चर्य के साथ राम के मुंह से निकला, फिर संयत होते हुए कहा, छोटे, तूने बताया भी नहीं कि तूने अपना मकान ले लिया है। सॉरी भैया, बता नहीं पाया, कल मिलते हैं, अभी व्यस्त हूँ, कुछ और लोगों को भी इनवाइट करना है, बस आप समय पर पहुंच जाना। कहते हुए लक्ष्मण ने फोन काट दिया। अपना मकान, बस ये शब्द राम के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। राम और लक्ष्मण दो सगे भाई, और उन दोनों में उम्र का अंतर था करीब 15 साल। लक्ष्मण जब करीब 7 साल का था, तब उसके माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हो गई। अब लक्ष्मण के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी राम पर थी। इस चक्कर में उसने जल्दी ही शादी कर ली, ताकि लक्ष्मण की देख रेख ठीक से हो जाए। प्राइवेट कंपनी में क्लर्क का काम करते करते राम की तनख्वाह का बड़ा हिस्सा, 2 कमरे के किराए के मकान और लक्ष्मण की पढ़ाई व रहन सहन में खर्च हो जाता था। इस चक्कर में शादी के कई साल बाद तक भी राम ने बच्चे पैदा नहीं किए। जितना बड़ा परिवार, उतना ज्यादा खर्चा। पढ़ाई पूरी होते ही लक्ष्मण की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई, और फिर जल्द शादी भी हो गई। बड़े भाई के साथ रहने की जगह कम पड़ने के कारण उसने एक दूसरा किराए का मकान ले लिया। वैसे भी अब राम के पास भी 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी और लड़का छोटा। मकान लेने की बात जब राम ने अपनी बीवी को बताई, तो उसकी आंखों में भी आश्चर्य और उदासी के आंसू आ गए। वो बोली, देवर जी के लिए हमने क्या नहीं किया, कभी अपने बच्चों को बढ़िया नहीं पहनाया, कभी घर में महंगी सब्जी या महंगे फल नहीं लेकर आए। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने अपना मकान ले लिया, दुख इस बात का है कि ये बात उन्होंने हमसे छिपा के रखी। इतवार की सुबह लक्ष्मण द्वारा भेजी गई गाड़ी राम के परिवार को लेकर एक सुंदर से मकान के आगे खड़ी हो गई। मकान बाहर से जितना सुंदर था, अंदर उससे भी ज्यादा सुंदर। हर तरह की सुख सुविधा का पूरा इंतजाम। उस मकान के एक जैसे 2 हिस्से देखकर राम ने मन ही मन कहा, देखो, छोटे को अपने दोनों लड़कों की कितनी चिंता है, दोनों के लिए अभी से एक जैसे 2 हिस्से तैयार कराए हैं। पूरा मकान 1.5 करोड़ रुपयों से कम नहीं होगा, और एक मैं हूं जिसके पास जवान बेटी की शादी के लिए 1-2 लाख रुपयों का इंतजाम भी नहीं है। मकान देखते समय राम की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उन्होंने बड़ी मुश्किल से बाहर आने से रोका। तभी पंडित जी ने आवाज लगाई, हवन का समय हो रहा है, मकान के स्वामी हवन के लिए अग्निकुंड के सामने बैठे। लक्ष्मण के दोस्तों ने कहा, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, आइए भैया, इस मकान का स्वामी मैं अकेला नहीं, आज मैं जो कुछ हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक आपका और एक मेरा। हवन कुंड के सामने बैठते समय लक्ष्मण ने राम के कान में फुसफुसाते हुए कहा, भैया, बिटिया की शादी की चिंता बिल्कुल मत करना, उसकी शादी हम दोनों मिलकर करेंगे। पूरे हवन के दौरान राम अपनी आंखों से बहते पानी को पोंछ रहे थे। राम जैसे आज भी मिल जाते हैं इंसान, पर लक्ष्मण जैसे विरले ही मिलते हैं इस जहान में।